हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारी रेशियो की सेकंड क्लास है और हमने रेशियो की एक क्लास ऑलरेडी कर ली है। जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी और रेशियो का बेसिक जाना था। अब इसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास है, पहले तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या जाना था कि रेशियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे दो चीज़ों का रेशियो बनता है। तो कैसे बनता है, जब दो चीज़ों का रेशियो उन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम से मतलब क्या है, अगर मैं आपसे बात करूँ 20 इंजीनियर और 20 डॉक्टर के रेशियो की, तो 20 इंजीनियर और 20 डॉक्टर का रेशियो फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फॉर्म? क्योंकि जब हम रेशियो की फॉर्मेशन करेंगे तो इंजीनियर से डॉक्टर कैंसिल नहीं हो पाएगा, और रेशियो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है और हमें एक यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं मिलेगी, तो इन दोनों का रेशियो फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उन दोनों के नंबर के रेशियो की बात करूं कि 20 इंजीनियर और नंबर ऑफ 20 इंजीनियर और 20 डॉक्टर के नंबर्स के रेशियो की बात करूं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंजीनियर्स, तो उन दोनों के रेशियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी फॉर्मेशन? क्योंकि नंबर एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, और जब मैं 20 लिखूंगा और नीचे 20 लिखूंगा तो वो यूनिटलेस ही बचेगा, क्योंकि इसमें नंबर का रेशियो पूछा, ना कि डॉक्टर और इंजीनियर का रेशियो पूछा है, तो नंबर रेशियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमने पहला पॉइंट जाना था। फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या सेकंड पॉइंट क्या था सेकंड पॉइंट ये था, रेशियो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने एक रेशियो लिखा, फॉर एग्जाम्पल ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:2। तो ए अगर ए एस टू बी इज इक्वल टू 3:2, तो इस बात का क्या मतलब था? इस बात का मतलब ये था कि अगर ए 3 है तो बी कितना है? 2 है। और हो सकता है ए अगर 6 रहा हो तो बी कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। तो यहाँ पर रेशियो से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना हो जाएगा? 6:4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 3:2 फिर से हो जाएगा। तो ये दो ये रेशियो की दो प्रॉपर्टी जानी। फिर उसके बाद फिर हमने क्या जाना कि इसके बाद अगर हमें दो रेशियो दिए रहते थे, और जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:4, 2:5, ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:5, और बी इज टू सी 7:3। तो हमें ए और बी और सी का रेशियो पूछा जाता था, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके तीन मेथड मैंने बताए थे। पहला क्या बताया था? पहला तो ये बताया था कि इन दोनों को इक्वल बनाना है, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ भी 7 से, और इसको इक्वल बनाने के लिए 7 और 5 को किस पे इक्वल बनाया जा सकता है? उनके एलसीएम पे इक्वल बनाया जा सकता है, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 35 होगा। और उन दोनों का एलसीएम 35 होगा क्यों? क्योंकि बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो बी को हमें सेम बनाना पड़ेगा। बी तो हर जगह बी की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पर मैंने 35 बना लिया। अब यहाँ पर 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया? 2 7 2 7 14, और 5 7 35, और 3 5 15। तो ये इन ए बी सी ए और बी और सी का रेशियो आ गया। अब इसको मैंने क्या बताया था कि इसको चेक कैसे करते हैं? पहले इनका ओरिजिनल रेशियो क्या था? 2:5 था, तो रेशियो तो ए और बी का हमेशा ही सेम रहेगा। 4:35 का भी मतलब क्या होता है? इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? 2:5 हो जाएगा। तो मतलब ए और बी का रेशियो यहाँ पर सही बैलेंस है। और फिर चेक करेंगे बी और सी का, बी और सी के रेशियो की बात करें अगर, तो यहाँ पे कितना था? 7:3 था। अब 35:15 का मतलब भी क्या होता है? 35 अगर 15 की मैं बात करूँगा तो 35/15, तो ये कितना आ जाएगा? 7/3। इसका भी मतलब यही आ गया। तो मतलब ये रेशियो हमने सही बैलेंस करा है। और इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या था? अगर मैं इसके दूसरे तरीके की बात करूँगा, तो मैंने बताया था अगर ए इज टू बी दिया है और वो कितना दिया है? 2:5 दिया है, और बी इज टू सी कितना दिया है? 7:3 दिया है। तो मैंने बताया था ए और बी सी का तीनों का रेशियो निकालना, तो एक इस रो में आना शुरू हुआ है, इस वाली रो में। इस रो को रिप्रेजेंट इसमें कौन कर रहा है? 2। तो 2 और फिर ये कहाँ आया है? नीचे कहीं है नहीं, तो ये यहाँ से सीधे चले जाएंगे। तो 2 × 7 ए की वैल्यू हो गई, 2 × 7 ए को रिप्रेजेंट कर जाएगा इस 2। अब बी की बात करूँ, और अगर मैं बी की बात करूं तो बी पहले कहाँ आना शुरू हुआ है? उस उधर वाली में। उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी अब फिर कहाँ, बी फिर कहाँ आया है? फिर भी यहाँ पे भी है, तो ऐसे चले जाएंगे। तो 2 5 × 7, तो ये कितना हो गया? 5 × 7। और फिर सी कहाँ है? सी इस वाली रो में, यानी ये, और ऊपर सी कहीं है नहीं, नीचे तो है ही नहीं फिर, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग रो कौन सी है? ये यहाँ से सीधा आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 3, तो ये कितना हो गया? 14, और ये कितना हो गया? 35,
और ये कितना हो गया 15 हो गया, ये मैंने बताया था इसको ऐसे निकालना। और ये दो दो मेथड हो गए, और मैंने तीसरा मेथड क्या बनाया था, इसको एक्स और इसको 3x और इसको 2x मान के, इसको 2x और 5x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको 7y और 3y मान के। अब और इसके अलावा एक और मेथड ये होता है, इसके अलावा एक और मेथड मैं अगर बात करूँ उसकी, एक और मेथड की, तो एक और मेथड क्या होगा कि मैं अगर बात करूँ एस टू भी कितना दिया, एस टू भी 2:5 दिया है, एस टू भी 2:5 दिया है, और बी एस टू सी कितना दिया है, अगर मैं बी एस टू सी की बात करूँ तो 7:3। अब ए अगर 2:5 है तो इसका मतलब क्या भी था, इसका मतलब ये था अगर मुझे इनका रेशियो बनाना तो इसका मतलब क्या था, ए की वैल्यू कितनी रही होगी 2x रही होगी, और बी की वैल्यू कितनी रही होगी 5x रही होगी, ए की वैल्यू 2x रही होगी, बी की वैल्यू 5x रही होगी। अब नीचे वाले रेशियो में भी बी तो यहाँ भी सेम है, तो बी की वैल्यू अगर 5x रही होगी तो बी बराबर कितना है 5x है, अब 5x है, अब बी की वैल्यू 5x हो गई, और बी इसमें कितने रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, तो बी अगर 7 की वैल्यू है नीचे वाले रेशियो में तो मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो 3 की कितनी होगी, तो इतनी होगी बी 5x, अगर 7 की वैल्यू है तो 5x/7 एक की वैल्यू पता लग गई इसके एक रेशियो की, और 3 तो इसके 3 रेशियो की वैल्यू पता लग गई, तो ये कितना हो गया 15x/7, ये 15x/7 हो गया। अब मुझे ए और बी सी तीनों के रेशियो की अगर बात करनी है तो कितना हो जाएगा 2x:5x:15x/7, ये हो गया। अब मुझे पता है रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जब x से डिवाइड करेंगे तो ये x हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, और a:b:c कितना बन गया, a:b:c कितना बन गया 14:35:15, तो ये वही आंसर आ गया, ये 14:35:15 आंसर आ गया। अब इसको मैंने ऐसा यूज किया, इसको क्या किया मैंने, ए की वैल्यू क्या रही होगी 2x रही होगी, बी की वैल्यू क्या रही होगी 5x रही होगी। अब नीचे वाले केस में अगर बी 7 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी की वैल्यू कितनी थी 5x/7 और 5x/7 थी, तो ये वैल्यू तो बी की थी, लेकिन अब ये वैल्यू जो मैंने निकाली है 5x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था नीचे वाले रेशियो में 7 को, और 3 तो एक रेशियो की वैल्यू मिल गई नीचे वाले की, और मुझे तो 3 रेशियो की चाहिए थी तो 3 तो ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू बन गई। ऊपर अभी तक वो 5x थी तो वो बी की वैल्यू थी, लेकिन ये वाली वैल्यू किसकी बन गई, सी की वैल्यू हो गई। तो अभी तक मैंने क्या जाना, अभी तक ये जाना कि रेशियो अगर दो रेशियो दिए हैं तो उनको तीनों अगर सभी रेशियो को कंपाइल करके लिखना है तो कैसे करेंगे, और रेशियो पर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ कि रेशियो किसका फॉर्म होता है, जिनकी यूनिट सेम होती है, सेम यूनिट पर रेशियो की फॉर्मेशन होती है। और अगर अब मैं बात करूँ इसके कुछ क्वेश्चंस की आगे, अगर मैं आपसे बात करता हूँ अगर कि दो नंबर है उनका रेशियो एस टू बी है, उनका रेशियो कितना दिया है 2:7 दिया है, और मुझे ये दिया है कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, एज इक्वल टू कितना दिया है मुझे, ए इक्वल टू 100 दिया है, तो मैं बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो बी की वैल्यू इक्वल टू व्हाट, तो मुझे बी की वैल्यू निकालने के लिए अब मुझे ये पता है, मैंने अभी क्या बताया था कि इसका मतलब क्या रहा होगा 2x रहा होगा, तो 2x ए की वैल्यू कितनी रही होगी 2x, ए की वैल्यू 2x रही होगी। अब अगर ए की वैल्यू 2x रही होगी, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ ए की वैल्यू 2 यूनिट रही होगी, क्योंकि x था और ये यूनिट है, यूनिट से यूनिट कट के भी वो क्या बन जाएगा 2:7 बन जाएगा, और बी की वैल्यू अगर 7x रही होगी तो, या कितनी रही होगी 7 यूनिट रही होगी। अब मुझे ये भी पता है कि ए 100 है और इसमें ये कितना 2, तो कितने टाइम्स है, यानी कि ए अगर 100 है और इसमें ए 2 है तो ए कितने टाइम्स हुआ, ए की वैल्यू कितनी है 100 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 50 आ गई तो b की वैल्यू कितनी थी 7x थी, तो b की वैल्यू अब कितनी थी 7x, तो 7 × x की जगह मैंने क्या रख दिया 50 रख दिया, तो x की जगह अगर 50 रख दिया तो 350 आंसर आ गया। या मैं इसको ऐसे भी बोलूं कि 2 यूनिट, a की वैल्यू कितनी थी 2 यूनिट थी, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 100, और अगर 2 यूनिट अगर 100 के इक्वल है तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं कितनी बता सकता हूँ, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मैं बता सकता हूँ 50,
अगर एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो मुझे तो 7 की बतानी है, अगर बी की वैल्यू बतानी है तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 350 आ गई। यही क्या है, बी है ये, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो अल्टीमेटली क्या है, या तो मैं इसको 2x मानूँ या इसको 2 यूनिट वालू मानूँ, एक ही बात है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्यों, यहाँ पे x है, यहाँ पे यूनिट है, मैं यहाँ पे यूनिट की वैल्यू निकाल लाऊंगा, यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकाल लाऊंगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, कि ये 2 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है 100, यानी कि कितना टाइम्स है, 50 टाइम्स। तो 50 टाइम्स है तो ये भी, और एक ही जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो रेशियो का कितना टाइम है, 50 टाइम्स है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। क्यों, क्योंकि 2 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है 100, तो एक रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा 50, और ये 7 है तो बी किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को, तो 7 रेशियो को रिप्रेजेंट कौन करेगा, 350 करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 350। वैसे भी कर सकते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू, दो रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, मैं 2 रेशियो की वैल्यू 100 दी है, और क्या कहते हैं 7, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, और 7 रेशियो की वैल्यू 350 आ जाएगी। ये तो हुआ अभी यहाँ तक। अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूँ, अगर ए मुझे पता था, ए एस टू बी मैंने मान लिया कितना था, ए एस टू बी मैंने मान लिया 4:7 मान लिया, और अगर मैं ये पूछता हूँ 3a+4b/2a-b क्या होगा, तो 3a+4b/2a-b किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मुझे पता था कि इन दोनों की डिग्री क्या दिख रही है, मुझे सेम, और मैंने बताया था कि डिग्री सेम दिख रही है तो उनके रेशियो से ही उनका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और रेशियो में भी क्या पुट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को मैं एग्जैक्ट मान के पुट कर सकता हूँ, होती नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन इस सवाल के लिए मैं मान सकता हूँ कि अगर ए 4 रहा होगा तो बी कितना रहा होगा, 7। वैसे ए की वैल्यू मैं यहाँ से नहीं बता सकता क्या एग्जैक्ट रही होगी, लेकिन अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैंने पिछली क्लास में बताया था मैं 4x मानूंगा और उसको 7x मानूंगा, तो एक्स एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ 3 × 4a की जगह, और +4 × 7b की जगह, और 2 × 4 - 7b की जगह। अब तो 3 × 4 कितना हो गया, 3 × 4 हो गया 12, और 12 और 28 यानी कि 40, 40 अपॉन नीचे क्या बन गया, 1, तो ये आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। अभी तक की ये हमने पढ़ा था, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा वो 3 रेशियो बैलेंस करने का मैंने पढ़ा था, जैसे a:b दिया है, b:c दिया है, और c:d दिया है, वो आप उस वीडियो में देख लेंगे। अब आगे की बात करेंगे, अगर मैं अब आगे की बात करूं, अगर अभी तक हमने एक टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कि a:b दिया है, b:c दिया है, तो c:d दिया, तो a:b:c:d का रेशियो पूछा था। अब टाइप सेकेंड लिखेंगे, टाइप सेकेंड इसमें क्या रहेगा, इसमें जैसे मुझे दिया है कि 3p = 4q = 5r, तो मुझे अब क्या पूछा है, मुझे पूछा है p:q:r पूछा है, ये किसके बराबर होगा। अब एक बात बताओ कि अगर मुझे दिया है 3p = 4q = 5r, तो क्या मुझे पता है ये किसके इक्वल रहे होंगे, हो सकता है ये 1 के इक्वल हो सकता है ये 2 के इक्वल हो, किसी के भी इक्वल हो, मुझे ये तो पता ही नहीं है यहाँ पर, तो मैं इनको किसी के भी इक्वल मान लेता हूँ। मैं अपने इसके लिए कि कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, मैं इनको ऐसा नंबर मानता हूँ कि जो 3, 4 और 5 का एलसीएम हो। क्यों, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो इन तीनों नंबर से कटेगा, और अगर तीनों नंबर से कटेगा तो पी की वैल्यू मुझे एक इंटीजर में मिलेगी, क्यू की भी इंटीजर में मिलेगी, आर की भी इंटीजर में मिलेगी। आप मान कुछ भी सकते हैं लेकिन तब भी सवाल हो जाएगा, लेकिन अगर पी इस टू अगर मैं इसको एलसीएम मानूंगा तो क्या रहेगा, ये भी इंटीजर में आएगा, और रेशियो को बार बार किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो 3, 4 और 5 का, 5 का एलसीएम क्या होता है, 3, 4 और 5 का एलसीएम होता है 60, 16 का एलसीएम हो सकता है। 3, 4 और 5 का एलसीएम 60 होता है। अगर 3, 4, 5 का एलसीएम 60 होता है तो 3p = 60 है, तो यहाँ से 3p = 60, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। पी की वैल्यू अगर 20 आ गई, और अगर मैं बात करूँ तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4q = 16 है, तो 16/4p की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 15 के बराबर। अब अगर मैं बात करूँ तो 5r = 60 है, और 5r = 60 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/5, तो 16/5 = 12।
तो हमें यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू मिल गई, पी की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, क्यू की वैल्यू 15 आ गई, आर की वैल्यू 12 आ गई। अगर हमें इनकी वैल्यू पता है तो इनका रेशियो तो आसानी से हम निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 20, और क्यू को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 15, और आर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 12। अब इन ये किसी भी नंबर से कैंसिल तो होंगे नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसका आंसर ये आ गया। अब मैंने इसको 60 मान लिया, आप चाहते आप इसको कुछ भी मान सकते थे, आप चाहें तो इसको क्या मान लें, मुझे पता ही नहीं है। जब कोई नंबर है तो 3p इज इक्वल टू 4q इज इक्वल टू 5r इज इक्वल टू k मान लिया हमने कॉन्स्टेंट, और हमने इसका इसको k मान लिया है कॉन्स्टेंट, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, k अपॉन के, यहाँ पे वैसे तो वेरिएबल है लेकिन के कोई कांस्टेंट रहा होगा, किसी ना किसी के तो बराबर रहे होंगे, तो पी इक्वल टू के अपॉन 3 आ गया यहाँ से। 3p अगर उसके बराबर है, के बराबर है, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, के अपॉन 3 के बराबर। और 4q इज इक्वल टू के है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, के अपॉन 4। और आर और 5r इज इक्वल टू किसके बराबर है, के बराबर है, तो आर किसके बराबर होगा, के अपॉन 5 के बराबर होगा, आर के अपॉन 5 के बराबर होगा। अब पी इज इक्वल टू के अपॉन 3 है, क्यू इज इक्वल टू के अपॉन 4 है, और आर इज इक्वल टू के अपॉन 5 है, ये सभी के टर्म्स में आ गए, और मुझे पता है कैसे के अब रेशियो की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब देखेंगे पी इज टू क्यू इज टू आर किसके इक्वल होगा, पी इज टू क्यू इज टू आर किसके इक्वल होगा, के अपॉन 3 इज टू के अपॉन 3, और क्यू किसके बराबर है, के अपॉन 4 इज टू के अपॉन 5। अब मुझे पता है रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, देर इज नो इफेक्ट ऑन रेशियो, ये भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिवाइड रेशियो बाय ये फिक्स नंबर। तो अब मैं इसको जब के से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बचेगा, 1/3 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/4, और ये क्या बचेगा, 1/5। अब मुझे पता है कि ये अपॉन में बनना है, लेकिन रेशियो में जब ऑप्शन में सवाल दिया रहेगा तो वो तो इस फॉर्म में दिया रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में से ये हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सभी इनको 3, 4 और 5 के एलसीएम का से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3, 3, 4 और 5 का एलसीएम से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो इन सभी नंबर्स का मल्टीपल रहेगा, तो सभी नंबर्स का मल्टीपल जब ऊपर रहेगा और नीचे वो नंबर रहेगा जिसका फैक्टर है, तो वो कट के क्या आ जाएगा, एक इंटीजर आ जाएगा। तो मैं इसको 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है, मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 60/3 और 60/4 और कितना हो जाएगा, 60/5, 60/3, 60/4 और 60/5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20:15:12। ये भी सेम ही आ रहा था, 20:15:12। आप चाहें आप इसको बन के भी इक्वल मान लें, क्यों, क्योंकि के से के कट जाना था, के ही तो आप बन मान रहे थे, और यहाँ पे आप के ही को क्या मान रहे थे, 60 मान रहे थे, इसमें भी के कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसमें के कैंसिल हो जाना था, के से जब डिवाइड करेंगे तो वो इसमें भी ऐसा ही हो रहा था, इसमें आप जब डिवाइड कर रहे थे तो तब भी के कैंसिल हो रहा था, के से के कैंसिल हो जाना है, तो इसका के का कोई मतलब ही नहीं है इस वैल्यू में। आप कुछ भी के की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन यू आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको सवाल फास्ट करना है और आपको सवाल इजीली करना है तो आप इन के को क्या मानेंगे, इन तीनों नंबर्स का क्या मानेंगे, एलसीएम मानेंगे, इससे आप इस सवाल को इजीली कर पाएंगे। अब अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, अब एक क्वेश्चन इस पे और देखेंगे, जैसे क्या देखा, 2p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू मान लिया जैसे 5r मान लिया, अब 5r मान लिया, और अब आपसे पूछता है कि अगर पी की वैल्यू अगर 50 दी है तो क्यू, तो फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू एंड आर, तो आपको क्यू एंड आर की वैल्यू बतानी है। अब इसको कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 2 × 50 इज इक्वल टू 3q, 3q हो गया, आप 100 इज इक्वल टू 3q हो गया, तो मैं आप क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3, क्योंकि वैल्यू 100/3 आ गई, और 2 ये किसके बराबर है, 100, तो 100 हो गया, 2p तो 100 हो गया, इज इक्वल टू 5r, अगर ये 5r के इक्वल है तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू यहाँ से 20 आ गई, और अब आप इन दोनों की वैल्यू बता सकते हैं। ये तो हुआ एक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में क्या हटा देता, अगर इस क्वेश्चन में क्या इसको अगर p इज इक्वल टू 50 को हटा देता और एक क्वेश्चन ही चेंज कर देता, अगर अगर आपसे अब यहाँ पे क्या पूछता,
ये तो इजीली हो गया अभी, क्योंकि उसकी वैल्यू दी थी तो पी क्यू और आर की वैल्यू बता दी। अब अगर यहाँ पे ये पूछता फाइंड रेशियो ऑफ पी इज टू क्यू इज टू आर, अब मुझे पी इज टू क्यू इज टू आर का रेशियो बताना है, तो मैंने अभी क्या बताया था, इसको हम किसके इक्वल मान लेंगे, इसको एलसीएम के इक्वल मान लेंगे। टू थ्री और फाइव का एलसीएम कितना होता है, टू थ्री फाइव का एलसीएम होता है थर्टी, टू थ्री फाइव का एलसीएम हो गया थर्टी, थर्टी के इक्वल मान लेंगे। अब टू पी अगर थर्टी के बराबर है तो एक पी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से फिफ्टीन आ गई। टू पी अगर थर्टी के बराबर तो एक पी की वैल्यू फिफ्टीन आ गई, और थ्री क्यू अगर थर्टी के बराबर है तो क्यू 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 की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई टेन। और अगर फाइव आर अगर थर्टी के बराबर है तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स आ गई। अब यहाँ पे पी की वैल्यू फिफ्टीन, क्यू की वैल्यू टेन और आर की वैल्यू सिक्स। अब पी इज टू क्यू इज टू आर की अगर मैं बात करूँ अगर, तो ये कितना हो जाएगा, फिफ्टीन इज टू टेन इज टू सिक्स। अब किसी नंबर से कैंसिल होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसको और ऑप्शन में या जो भी दिया होगा अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो वो भी देख लेंगे। अब ये हो गया ये। अगर अब मैं इसी, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं आपसे, कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया रहता था टू पी अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री क्यू अपॉन फोर इज इक्वल टू फाइव आर अपॉन टू, फाइव आर अपॉन टू दिया है, और क्या पूछा है पी इज टू क्यू इज टू आर पूछा है, इसमें भी टू पी अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री क्यू अपॉन फोर इज इक्वल टू फाइव आर अपॉन टू, इस केस में भी पी एस टू क्यू टू आर पूछा। अब मैंने क्या बताया था, ये क्या था, ये तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या था, बंद था, कुछ नहीं था, तो डिनोमिनेटर क्या था, बंद था। अब डिनोमिनेटर में कुछ दे दिया, तो मैंने क्या कहा था अपने को, तो जो यूज कर रहे थे वो न्यूमरेटर का एलसीएम यूज कर रहे थे, तो न्यूमरेटर यहाँ पर क्या था टू है थ्री है फाइव है, तो उसका एलसीएम यूज करेंगे, उसका एलसीएम मानेंगे नंबर को, तो कितना माने, कितना मानेंगे, ये किसके इक्वल रहे होंगे, थर्टी के इक्वल रहे होंगे। अगर ये थर्टी के इक्वल रहे होंगे तो टू पी की वैल्यू अगर टू पी अपॉन थ्री की वैल्यू अगर थर्टी के बराबर है, तो यहाँ से पी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, पी की वैल्यू ये कितना हो जाएगा नाइन्टी, नाइन्टी से टू जाएगा तो फोर्टी फाइव। अब थ्री क्यू अपॉन फोर की वैल्यू किसके बराबर है, थ्री क्यू अपॉन फोर की वैल्यू थर्टी के बराबर है, तो ये कट जाएगा टेन टाइम्स, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्टी आ जाएगी। अब और अगर मुझे आर की वैल्यू की बात करूँ तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी थ्री इंटू टू अपॉन फाइव, तो ये सिक्स टाइम चला जाएगा, और ये आर कितना हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा, आर ट्वेल्व हो गया। अब पी कितना हो गया, फोर्टी फाइव हो गया, तो पी इज टू क्यू इज टू आर कितना हो गया, पी इज टू क्यू इज टू आर कितना हो गया, फोर्टी फाइव पी की वैल्यू, और क्यू की वैल्यू फोर्टी, और आर की वैल्यू ट्वेल्व। अभी किसी नंबर से डिवाइड हो नहीं रहा, तो उसके ऐसे ही छोड़ देंगे, या जो रेशियो में अगर ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको देख लेंगे कि, और ऑप्शन से मैच कर लेंगे। तो ये अभी ये होगी टाइप सेकंड इसकी, जिसमें क्या रहता था, जिसमें कोई नंबर दिए रहते थे और हमें ये नहीं पता था कि ये किसके इक्वल होते थे, तो हमने हमें पता है कि जब ये दिया ही नहीं है कि किसके इक्वल है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। और लेकिन कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने इसको क्या मान लिया, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम मान लिया। अब इन तीनों नंबर का एलसीएम मान लिया तो वो आंसर एक क्या आएगा, इंटीजर में आएगा, और यहाँ पर कोई कैलकुलेशन और नहीं करनी पड़ेगी। और 2p अपॉन 3 अगर ऐसा था तो हम तो इसमें भी ये न्यूमरेटर का एलसीएम मान रहे थे, तो इसमें भी न्यूमरेटर का एलसीएम मानेंगे, तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। और 2, 3, 5 का एलसीएम अगर 30 होगा तो 2p अपॉन 3 की वैल्यू 30 के इक्वल हो गई, तो p की वैल्यू 45 के इक्वल हो गई। यहाँ से हमने q की वैल्यू भी निकाली, r की वैल्यू भी निकाली। अगर तीनों नंबर्स की वैल्यू अगर हमें पता है, अगर उनकी वैल्यू पता है, तो उनका रेशियो भी आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर बात करें अगले कहीं रेशियो पे कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन, जैसे मुझे दिया क्वेश्चन, इफ इफ ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, इफ ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इज इक्वल टू फाइव इज टू सेवन इज टू सिक्स, फाइव इज टू सेवन इज टू सिक्स एंड एंड टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी इक्वल टू टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी इक्वल टू सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स, वॉट देन देन वैल्यू ऑफ सी विल बी,
हमें क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए इज इक्वल टू फाइव इज टू सिक्स, फाइव इज टू सेवन इज टू सिक्स एंड टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी इज इक्वल टू 66, देन वैल्यू ऑफ सी विल बी, तो हमें सी की वैल्यू पूछी है। तो अब क्या मैंने क्या बताया था, रेशियो में क्या दिया है, फाइव इज टू सेवन इज टू सिक्स दिया है, तो हम इसको किसके इक्वल मानेंगे, ए प्लस बी किसके इक्वल रहा होगा, फाइव एक्स के इक्वल रहा होगा या फाइव यूनिट के इक्वल रहा होगा या फाइव के इक्वल रहा होगा, कुछ भी लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बी प्लस सी की वैल्यू क्या रही होगी, बी प्लस सी की वैल्यू क्या रही होगी, सेवन एक्स रही होगी। और सी प्लस ए की वैल्यू क्या रही होगी, सी प्लस ए की वैल्यू सिक्स एक्स रही होगी। अब ए प्लस बी की वैल्यू फाइव एक्स है और बी प्लस सी की वैल्यू सेवन एक्स है और सी प्लस ए की वैल्यू सिक्स एक्स है। अब मुझे अगर सी की वैल्यू बतानी है तो मुझे अगर ए की वैल्यू, अगर मुझे एक्स की वैल्यू पता लग जाए तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि सी की वैल्यू क्या रही होगी। क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे एक्स की पता लग जाएगी तो मुझे ए प्लस बी मिल जाएगा, और अगर मुझे ए प्लस बी मिल गया और बी प्लस सी मिल गया और अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो और अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी और ए प्लस बी की यहाँ से होगी तो वो सी ए प्लस बी की भी पता रहेगी और ए प्लस बी प्लस सी की पता रहेगी, तो सी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अब इसको मैं जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी ट्वाइस के साथ, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो गया, फाइव सेवन, फाइव प्लस सेवन प्लस सिक्स, तो फाइव प्लस सेवन कितना होता है, फाइव प्लस सेवन होता है ट्वेल्व, और ट्वेल्व ये कितना हो गया, ट्वेल्व और सिक्स, ट्वेल्व और सिक्स एट्टीन एक्स। तो मुझे अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की अगर अकेले की वैल्यू की बात करूँ, ए प्लस बी प्लस सी की अकेले की वैल्यू की बात करूँ तो 9x रही होगी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 9x हो गई। अब मुझे a प्लस बी की वैल्यू क्या दी थी, a प्लस बी की वैल्यू मुझे क्या दी थी, 5x दी थी, और अगर a प्लस बी की वैल्यू 5x दी है तो मुझे पता है c की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, c की वैल्यू ये टोटल 9x है और 9x में से 5x जाएगा तो वो क्या बचेगा, 4x बचेगा, 4x बचेगा। अब b प्लस सी की वैल्यू क्या दी है, b प्लस सी की वैल्यू 7x दी है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है, 9x दी है। अगर a प्लस बी प्लस सी में से मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ b प्लस सी को, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी करता हूँ अगर, तो ये कितना होगा, ये होगा 9x माइनस 7x, तो 9x माइनस 7x, 9x माइनस 7x। अब ये अगर 9x माइनस 7x हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से मुझे a मिलेगा, और अगर a मिलेगा तो वो कितना होगा, 2x होगा। ऐसे ही मैं b को निकाल सकता हूँ, b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, c प्लस ए अगर मुझे 6x दिया है और a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 9x दिया है, तो c तो ये क्या कहते हैं, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 3x। अब मुझे a की वैल्यू पता, c की वैल्यू पता लग गई 4x, a की वैल्यू पता लग गई 2x और b की वैल्यू पता लग गई 3x। अब मुझे अगर ये वैल्यू पता लग गई तो मैं इसमें रखूंगा और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x तो 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 66। अगर 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 66 है तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू रखूंगा, a की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 2x माइनस माइनस 3 इंटू बी, बी की जगह मैं क्या रखूंगा 3x, तो 3 इंटू 3x प्लस 4c, 4 हो गया, 4 इंटू क्या कहते हैं, सी की वैल्यू क्या है, 4x है, तो सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4x पुट करूँगा, 4 इंटू 4x इज इक्वल टू 66, 4x इज इक्वल 4 इंटू 4x इज इक्वल टू 66। अब ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 4x, 4x माइनस 9x तो कितना हो गया, माइनस 5x, माइनस 5x और ये कितना हो गया, 16x, तो माइनस 5x प्लस 16x, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 11x, 11x इज इक्वल टू 66, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। और अगर मुझे अब x की वैल्यू पता लग गई तो c किसके इक्वल था, 4x के इक्वल था, तो c इज इक्वल टू 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो गया। और अगर मुझे इसके अलावा क्या पूछ सकता था, इसके अलावा a की वैल्यू पूछ सकता था, और अगर a की वैल्यू पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा, और अगर वहीं b की वैल्यू पूछता है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 6 हो जाएगी। तो सबकी वैल्यू हमें पता लग गई। तो इस सवाल को करने से कैसे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि a प्लस बी और b प्लस सी इज टू सी प्लस ए दिया है मुझे, 5:7:6, तो क्या माना हमने, a प्लस बी की वैल्यू क्या रही होगी, 5x रही होगी, 5 के भी मान सकते थे या 5 यूनिट भी मान सकते थे। a प्लस बी की वैल्यू अगर 5x रही होगी और b प्लस सी की वैल्यू कितनी रही होगी, 7x रही होगी, और c प्लस ए की वैल्यू 6x रही होगी, तभी ये इन तीनों का नंबर्स का रेशियो क्या रहा होगा, 5:7:6 रहा होगा।
अब इनको अगर तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो 2a+b+c बनेगा, तो a+b+c की वैल्यू 9x रही होगी, और अगर a+b+c की वैल्यू 9x है और a+b की वैल्यू 5x है तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ से 4x आ जाएगी, और अगर सी की वैल्यू 4x आ गई और ए की वैल्यू 2x आ जाएगी, बी की वैल्यू 3x आ जाएगी। फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे एक कंडीशन दी थी, इस कंडीशन में मैंने इन तीनों की वैल्यू को पुट कर दिया, तो मुझे वहाँ से एक्स की वैल्यू पता लग गई, और जब मुझे वहाँ एक्स की वैल्यू पता लगी तो मैंने क्या किया, उस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, तो 4 × 6 ये 24 हो गया। ए की वैल्यू क्या थी, 2x के इक्वल थी, और अगर ए की वैल्यू 2x के इक्वल थी तो 2 × 6 12 हो जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x, 3 × 6 18 हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू हम पता लगा सकते हैं। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन की जैसे क्वेश्चन है, जैसे फिर से ले लिया कोई, मान लिया 3p/7 = 2q/9 = 3r/7, और मुझे क्या पूछा, p:q:r फिर से पूछा है। अभी ये वैसे कर चुके हैं लेकिन फिर भी, अब मैंने क्या बताया था कि 3p, और मुझे क्या करना होता है इस केस में, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एलसीएम मानना होता है नंबर को, तो 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या मान लिया, 6 मान लिया, और ये जब मैंने इसको 6 माना तो 3p/7 अगर 6 के इक्वल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू 14 आ जाएगी, और अगर p की वैल्यू 14 आ गई, अब मुझे q की वैल्यू बतानी है, तो 2q/9 = 6, इसको मैंने 3 से कैंसिल, इसको कैंसिल कर दिया, तो q की वैल्यू क्या आ गई, 27 आ गई। और अगर अब मैं बात करूँ r की, अगर मैं अब r की बात करूँ, अगर r की बात करता हूँ तो 3r/7 = 6 था, 3r/7 = 6 था, तो r को ये 2 टाइम्स जाएगा, r की वैल्यू भी क्या आ रही थी, 14 आ गई। अब इन तीनों का रेशियो तो निकल ही आएगा जब नंबर दिए हैं, तो 14 14 14 = 27 = 14, इन तीनों नंबर का रेशियो हो गया, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की जो रेशियो पे बनते हैं, और फिर प्रोपोर्शन का बेसिक भी पढ़ना है फिर इन दोनों पर। अभी इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जब प्रोपोर्शन का बेसिक भी हो जाएगा तो रेशियो पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, वो कैसे होंगे वो भी देखेंगे। अब अगर बात करें, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन इफ a:b = 2:5, b:c = 3:7, और c:d कितना दिया है मुझे, मान लो दिया है 6:1 दिया है, और मुझे d की वैल्यू दी है, मुझे d की वैल्यू दी है कितनी दी है, d की वैल्यू मान लो दी है कितनी, d की वैल्यू 100 दी है। तो आपसे क्या पूछा, a की वैल्यू पूछी है, आप r की वैल्यू किसी की भी वैल्यू बता सकते हैं, अगर a की वैल्यू पूछी है तो मुझे पता है, अगर मुझे a और d का रेशियो मिल जाए तो मैं a की वैल्यू आसानी से बता सकता हूँ। अब मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, अगर मुझे ए और डी का रेशियो ही बताना, बैलेंस करना है, तो मुझे बाकी के रेशियो से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं इसको कैसे करूँगा, a:b (b/c)(c)(d)= 2/5 (3/7) (6/1। अब ये हो गया, और इससे जब एक कैंसिल होगा तो ये क्या बचेगा, a/d, वो क्या होगा, a:d, और a:d क्या बनेगा, a:d क्या बनेगा, 2 × 3 × 6, ये कितना बन जाएगा, 2 × 3 × 6 36/35, 36/35, या इसको बोले 36:35। a:d कितना हो जाएगा, 36:35 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मुझे d की वैल्यू कितनी दी थी, 100 दी थी, तो d की वैल्यू अगर 100 दी थी तो 100 कितने यूनिट की वैल्यू हो गई, 100 हो गई 35x की, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे पता लग गई है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और 135 की वैल्यू है तो 100/35, तो 1 की वैल्यू पता लग गई, और (x) 36, 1 इसकी वैल्यू हो गई, 1 की वैल्यू हो गई, तो a का आंसर यहाँ से क्या आ गया, 100/35 × 36, और ये आगे ये कैंसिल हो जाएगा कितने से, 5 से हो जाएगा, तो 7 और ये 20। अब
सेवन और ट्वेंटी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, सेवन ट्वेंटी अपॉन सेवन, और यही एक ही क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब ये मैंने कैसे कर दिया, ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एस टू बीस टू सी टू डी दिया था तो हमें तो क्या बताना था। और मुझे मैंने सोचा कि मुझे ए और डी का अगर रेशियो मिल जाता है, अगर मैं ए और डी का रेशियो निकाल पाता हूँ तो मैं डायरेक्ट निकाल पाऊंगा, मुझे बी और सी की वैल्यू नहीं, बी और सी का रेशियो बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैंने देखा एस टू बी और बीस टू सी और सी टू डी दिया है, अगर मैं इन तीनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर, तो मुझे ए और डी का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि ए अपॉन डी बचेगा। तो ए एस टू डी मिल गया, मुझे एस टू डी मिल गया, तो मुझे अब मैंने बता दिया कि 35 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 100, अगर 35 यूनिट की वैल्यू है तो 36 की वैल्यू कितनी होगी, 720 अपॉन 7 होगी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अगर बात करें जैसे अगले क्वेश्चन की, जैसे क्वेश्चन है इफ इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मान लो दिया है ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया है 55 के इक्वल, और आपको दिया है ए इज टू बी इज टू सी कितना दिया है, ए इज टू बी इज टू सी दिया है 3, 4 और 4 दिया है। ए एस टू बी एस टू सी आपको 3, 4, 3 एस टू 4 एस टू 4 दिया और आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी, 55 दी है। तो आपको बताना है देन वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो आपको ए बी और सी की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि ये किसके इक्वल होता है, अगर ये 3 एस टू 4 एस टू 4 दिया है तो, और यहाँ पे ए एस टू बी एस टू सी दिया है तो मुझे ए की वैल्यू कितनी मान लूंगा मैं, 3 यूनिट या 3x मान लूंगा, और अगर मैं ए की वैल्यू 3x मान लूंगा और मैं बी की वैल्यू कितनी मान लूंगा, 4x मान लूंगा, और सी की वैल्यू कितनी रही होगी, 4x रही होगी। अब जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी रही होगी, ए प्लस सी प्लस 11x रही होगी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अब ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 11x है, यहाँ पे 55 है, तो 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और यहाँ से मैं x की वैल्यू कितनी निकाल पाऊंगा, 5 निकाल पाऊंगा। अरे अब x की वैल्यू 5 आ गई, और अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो a की वैल्यू किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है, तो 3 × 5 15 हो गया a की वैल्यू। और अगर b की वैल्यू की बात करूँ तो 4x के इक्वल है, तो b की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 4 × 5 के इक्वल हो गई, तो 20 हो गई। और अगर c की वैल्यू की बात करूँ अगर तो 5x हो गई, और c की वैल्यू 5x है अगर तो 5 × 5 25 हो गई, 25 हो गई। तो 15, 20 और 25 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं इस सवाल को करता तो मैं कैसे करता, मैं देखता कि 3, 4 और 4, तो 3, 4, 4 कितना हो गया, 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू ये कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी। और अगर 11 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल है, 55 के इक्वल है, और 11 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 55 को, 11 यूनिट है यहाँ पे, 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 55 को, और तो एक यूनिट की वैल्यू मैं अपने मन में बता देता कितनी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, एक यूनिट की वैल्यू हो जाती 5 के इक्वल। ये अगर एक यूनिट 5 को रिप्रेजेंट करता था तो ये 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 15 के बराबर हो जाता है। ऐसे ही 4 यूनिट और 4 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का।